हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। नंबर सिस्टम हम लोगों ने किया और मेरे दोस्त मेरे साथ साथ जो है वो आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि आप लोगों का नंबर सिस्टम में कोई डाउट ना आए। क्योंकि ये जो हम लोग ले रहे हैं 30-35 दिन की क्लास ले रहे हैं, इसमें हम लोग रिविजन के तौर पर कर रहे हैं कि एक बार पूरे मैथ का जो है वो कंप्लीट रिविजन हो जाए। तो रिविजन का मतलब ये है कि मेरे साथ साथ आप भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, जिससे कि दोनों के जो क्वेश्चन जब हम लोग देखेंगे कि दोनों ने जो प्रैक्टिस की है, दोनों ने जो क्वेश्चन किए हैं वो बल्क में हो रहे होंगे। तो एक बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो रहा होगा हर एक चैप्टर का। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का एससीएफ एलसीएम है और एससीएफ एलसीएम जो है कोशिश करेंगे आज ही खत्म करने की, और अगर आज खत्म नहीं होता है तो कल हम इस चैप्टर को खत्म कर रहे होंगे। ठीक है भाई, हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैंने रखा है, बल्क में प्रैक्टिस नहीं करा सकता, प्रैक्टिस आप लोग करिए लेकिन कॉन्सेप्ट को मैं रिकॉल कराने का काम जरूर करूंगा मेरे दोस्त। ठीक है भाई, चलिए शुरुआत करते हैं एससीएफ एलसीएम से। ये मानते हुए कि आप लोग जो है एससीएफ एलसीएम निकालना अच्छे से जानते हैं, तो डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पे बच्चे आता हूं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं और कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों को रिकॉल करने हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि बहुत आसान क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं। आसान क्वेश्चन से इसलिए शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि आसान चीजें पूछी गई हैं। क्या अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं कराओगे तो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कराऊंगा, वो आगे आएंगे, थोड़ा सा वेट आप लोगों को करना होगा। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 25, 30 और 60 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम का मतलब होता है वो छोटी से छोटी संख्या जो इन दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो आपने कहा जी सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सबसे छोटी संख्या 150 है, 150 क्या 25 से डिवाइड होती है? हाँ जी होती है। 150 क्या 30 से डिवाइड होती है? हाँ जी होती है। 150 क्या 60 से डिवाइड होती है? तो आप कहेंगे 150 60 से डिवाइड नहीं होती, तो इसका एलसीएम 150 तो नहीं होगा। 150 के बाद दूसरी संख्या हम लोगों की 240 है, क्या 240 मेरी 25 से डिवाइड होगी? नहीं होगी, तो 240 भी मेरा जवाब नहीं होगा। क्या तीसरे नंबर पर 300 आएगी, क्या 25 से डिवाइड होगी? हाँ जी होगी। 300 क्या 30 से डिवाइड होगी? हाँ जी होगी। क्या 60 से डिवाइड होगी? हाँ जी होगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा तरीका एक मेरे दोस्त ये है कि आप कॉमन भी ले सकते हो। मान लो आपने 5 कॉमन ले दिया तो यहां क्या बचेगा? 5 बचेगा, यहां क्या बचेगा? 6 बचेगा, और यहां क्या बचेगा? 12 बचेगा। आप लोग जानते हैं 6 और 12 का एलसीएम 12 होता है, 12 और 5 का एलसीएम 60 होगा, और 60 की गुणा 5 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? वहां से भी क्वेश्चन का जवाब जो है वो 300 आ जाएगा, वहां से भी क्वेश्चन का जवाब। हाँ, कल के एक क्वेश्चन में दिक्कत है, वो 20वां क्वेश्चन जो था ना, वो उनके बीच की संख्या पूछी थी, हमने वहां से लेके वहां तक संख्या निकाल दी थी जो कि शायद 25 बैठ रही थी। 25 बैठ रही है तो 2 कम कर देना, 23 बैठ रही है तो 2 कम कर देना, क्योंकि कॉर्नर वाली जो संख्या है वो हम लोगों को काउंट नहीं करनी है, है ना। उसमें थोड़ा सा हम लोगों से गलती हुई, हमने बीच नहीं पढ़ा है, हमने वो सारी संख्या मेरे दोस्त निकाल दी है। ठीक है, हाँ, एक गुड्डा कह रहा है कि 600 भी तो हो सकता है। भाई बिल्कुल हो सकता है, 600 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है, 1200 भी हो सकता है, लेकिन एलसीएम का मतलब ही छोटी से छोटी संख्या होती है। ठीक है भाई, तो इन दोनों में छोटा ही हम लोगों को लेना होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, 54, 162 और 189 का एचसीएफ कितना होगा। भाई साहब तीन संख्या आप लोगों के सामने दी हुई है, 54, 162 और 189 आप लोगों के सामने दिया हुआ है। अगर मैं मैसे की बात करता हूं तो अपने दिमाग में डेफिनेशन को सेट करिए कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं
को विभाजित कर दे, मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लानी है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, उससे बड़ी कोई संख्या ही ना हो इन तीनों को डिवाइड करने वाली, उसी को हम लोग मैसे कहते हैं। तो ऑप्शन से करेंगे, सबसे बड़ी संख्या यह है, क्या 27 से 54 डिवाइड होता है? जी हां बिल्कुल होता है। क्या 27 से 162 डिवाइड होता है? तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जी बिल्कुल 6 बार कटेगा। क्या 27 से 189 डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 7 बार कटेगा। तो 27 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर रही है, तो इसका मैसे क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे जी 9 से भी तो डिवाइड हो रही है, कुछ बच्चे कहेंगे जी 3 से भी तो डिवाइड हो रही है। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे छोटे भाई, मैसे में मैंने बताया है कि हमें बड़ी से बड़ी वैल्यू लेनी है। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं 9 और 27 दोनों अगर विभाजित कर रही है, तो 27 जो है वो बच्चे बड़ी वैल्यू है, इसलिए हमें 27 को ही आंसर मानना होगा, हाईएस्ट लेनी है, बड़ी से बड़ी वैल्यू हमें लेनी है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पहले हमने एक क्वेश्चन का लेसे समझा, फिर हमने एक क्वेश्चन का मैसे समझा, अब जो है हम लोग जो है वो भिन्न का निकालने वाले हैं। मेरे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इन तीनों का मैसे निकालना है, तो जब भी मेरे दोस्त आप लोगों से भिन्न का मैसे पूछा जाता है, तो आप जो है अंश का मैसे ही निकाल दो। मैसे पूछा जाता है तो मैसे निकाल दो, लेसे पूछा जाता है तो लेसे निकाल दो। अगर मैसे पूछा जा रहा है तो न्यूमरेटर यानी अंश का मैसे निकाल दो, अंश का मैसे निकाल दो, और हर का क्या निकाल देंगे मेरे दोस्त, डिनोमिनेटर का क्या निकाल देंगे, लेसे निकाल देंगे। लेसे किसका बेटा, 3, 5, 7 का लेसे निकाल देंगे। क्या यही तरीका होता है, होता है क्या? अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि भैया जी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो आप कहेंगे जी वह बड़ी से बड़ी संख्या तो दो ही होगी, दो से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे जी तीनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होता है। भाई तीनों में क्या कुछ कॉमन है, आप कहेंगे नहीं है। जब तीनों में कुछ कॉमन नहीं होता यानी वो सह अभाज्य संख्याएं हैं, अगर कॉमन नहीं है तो मेरे दोस्त उनका गुणनफल ही एलसीएम हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, भैया 7 × 5 = 35 = 105 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 2/105 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 2/105 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भाई साहब, पॉइंट में वैल्यूज दी हुई हैं, फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। पॉइंट वाली वैल्यूज का एलसीएम कैसे निकालेंगे या पॉइंट वाली वैल्यूज का एससीएफ कैसे निकालेंगे, चुटकियों में आना चाहिए, बहुत तेजी से बच्चे आना चाहिए। हाँ, एलसीएम में भी बड़ी संख्या लेते हैं? नहीं भाई, एलसीएम में छोटी से छोटी संख्या लेते हैं, छोटी से छोटी। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब बड़ी, एलसीएम लीस्ट मतलब छोटी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आपने कहा जी पॉइंट हटा लो, नीचे जीरो बढ़ा लो, तो नीचे आ जाएंगी मेरे दोस्त 3 0। बहुत शानदार, पॉइंट हटा लो, नीचे जीरो बढ़ा लो, तो नीचे आ जाएंगी 2 0। पॉइंट हटा लो, नीचे जीरो बढ़ा लो, तो नीचे आ जाएंगी 2 0। बहुत बढ़िया, अब अगर चीजें कट सकती हैं तो काट लो। 2 से काटा कितनी बार, 63 बार। 2 से काटा कितनी बार बेटा, 500 बार। 4 से काटा 9 बार, 4 से काटा 25 बार, 4 से काटा 24 बार, और 4 से काटा मेरे दोस्त 25 बार। क्या इसमें कोई समस्या, तो आप कहेंगे जी इसमें तो कोई समस्या नहीं है।
अब मेरे दोस्त आप लोग ये देखो आपसे पूछा क्या है, आपने कहा जी हमसे तो लैसे पूछा है, तो मेरे दोस्त लैसे जो है अंश का लैसे निकाल दो, जो भी आपसे पूछा जाए, जो भी आपसे पूछा जाए अंश का वही निकाल दो। तो 63, 9 और 24 न्यूमरेटर का लैसे निकाल दो और डिनोमिनेटर यानी हर का आप लोग मैसे निकाल दो। तो मैसे मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको विभाजित कर दे वो मैसे होती है, और लैसे मतलब छोटी से छोटी संख्या जो इनसे विभाजित हो जाए। तो क्या कोई मुझे बताएगा 63, 9 और 24 का एलसीएम कितना आएगा? क्या कोई मुझे बताएगा 63, 9 और 24 का एलसीएम कितना आएगा? आप कहोगे जी 3 कॉमन ले लो, जब 3 कॉमन लोगे तो यहां क्या बचेगा 21 बचेगा, यहां क्या बचेगा 3 बचेगा, और यहां क्या बचेगा 8 बचेगा, बचेगा क्या? अब एक बात मुझे ये बताइए, 21 और 3 का एलसीएम तो 21 होगा, और 21 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 21 अट्ठे 168 हो जाएगा, यानी इसका जो एलसीएम आने वाला है 8 3 24 को 4 हासिल 2, 6 3 18 2 20 को 0 हासिल 2, क्या इसका एलसीएम 504 आने वाला है? क्या इसका एलसीएम 504 आने वाला है? आपने कहा जी बिल्कुल सही, एलसीएम 504 आएगा। अब मुझे ये बताइए वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन तीनों को डिवाइड करेगी? तो आप कहेंगे जी वो 25 हो जाएगी, 25 से ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड और ये भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है भाई, अब डिवाइड कर लो, 25 दुनी 50 होगा, 0 लगाएंगे 40 हो गया, 25 एकम 25 15 हो गया, 25 छक्का 150 होगा, यानी कि आंसर कितना आएगा भाई 20.16 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा 20.16 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एकदम बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, पॉइंट वाले आज के टाइम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए मेरे दोस्त इन क्वेश्चंस पे आप लोगों को पकड़ बनानी होगी। कल वाला क्वेश्चन करा दूंगा एक बार लास्ट में, याद दिला देना। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ चलिए, जीरो लगा के भी कर सकते हैं, एक एक जीरो लगा लो, बिना काटे नहीं करना है मेरे दोस्त, बिना काटे क्वेश्चन को नहीं करना है। अगर आपने इस तरीके से रेशो बनाया है तो आप लोगों को काटना ही होगा, उसे छोटे से छोटे फॉर्म में पहले लाना होगा, नहीं तो आपका आंसर जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, काट के दोस्त उसे छोटा ही करना होगा। ठीक है भाई, चलिए तो मैं इसको कह सकता हूं, जिस क्वेश्चन पे मैं स्टार मार्क बनाता हूं ऐसे क्वेश्चन की आप लोग दो दो तीन तीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। आपका टारगेट होना चाहिए कि इस वाले प्रैक्टिस सेट में इन पर स्टार बना है, तो ऐसे क्वेश्चन मुझे 5 5 6 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए मेरे दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है यदि एक्स वाई क्यूब, एक एक्सप्रेशन दिया है एक्स वाई क्यूब, दूसरा एक्सप्रेशन दिया है एक्स स्क्वायर वाई, और तीसरा एक्सप्रेशन दिया है एक्स क्यूब वाई फोर दिया हुआ है। अगर इनका मैसे एक्स वाई है, मैसे से कोई मतलब नहीं है, तो इनका लैसे कितना होगा बेटा? इनका लैसे बताना है, इन तीनों वैल्यूज का लैसे बताना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लैसे हम लोग कैसे निकालते हैं। आपने देखा एक्स यहां भी मौजूद है, एक्स यहां भी मौजूद है, एक्स यहां भी मौजूद है। अगर कोई एक्सप्रेशन, कोई वेरिएबल हर जगह मौजूद है तो उसकी मैक्सिमम पावर ही, सबसे ज्यादा पावर ही एलसीएम होती है। आपने देखा वाई यहां भी है, वाई यहां भी है, वाई यहां भी है, तो वाई की सबसे ज्यादा पावर कौन सी है? वाई की सबसे ज्यादा पावर 4 होगी। तो इस क्वेश्चन का एलसीएम कितना आ जाएगा? x3 y4, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आसान क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक ऐसा क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। भाई साहब पढ़ना एक बार क्वेश्चन, कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है यदि दो परिमेय संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम समान है, यदि दो परिमेय संख्याओं का
HCF और LCM समान होता है, HCF और LCM समान होता है मेरे दोस्त, तो वो निश्चित रूप से अभाज्य संख्याएं होंगी, कभी भी अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। बेटा अगर अभाज्य संख्याएं एक दो ले दूं, एक तीन ले दूं, तो इनका LCM तो 6 आएगा, इनका HCF जो है वो 1 आएगा। क्या ये दोनों समान है? क्या ये दोनों समान है? तो आप कहेंगे भाई साहब समान तो नहीं है, तो इसका मतलब अभाज्य संख्याएं तो ऐसी नहीं हो सकती। अगर मैं आपसे कहूं सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है? सह अभाज्य संख्याओं का HCF और LCM समान है, बताइए भाई क्या ये वाला ऑप्शन होगा? क्या ये वाला ऑप्शन होगा सहभाज्य संख्या? अच्छा सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती है पहले मुझे ये बताइए। सहभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं मेरे दोस्त जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। अगर मैं आपसे कहूं एक तीन है एक चार है, क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है? आप कहेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मेरे दोस्त सह अभाज्य संख्याओं का मैसेज जो आता है वो हमेशा एक आता है, मैसेज जो आता है हमेशा एक आता है, और लैसे जो आता है उनका गुणनफल आता है। तो ये भी इसका कभी जवाब नहीं हो सकता, ये भी इसका कभी जवाब नहीं हो सकता। समान संख्याएं हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक संख्या तीन है, दूसरी भी संख्या तीन है, तो इनका LCM भी तीन आएगा, इनका HCF भी तीन आएगा। अगर एक संख्या पंद्रह है, दूसरी भी संख्या पंद्रह है, तो इनका LCM भी पंद्रह आएगा, इनका HCF भी पंद्रह आएगा। तो वो संख्या कैसी होनी चाहिए मेरे दोस्त? वो संख्या समान संख्या होनी चाहिए। वो कैसी संख्या होनी चाहिए? वो संख्या जो है वो समान होनी चाहिए। ठीक है भाई, अगर LCM और HCF समान है, LCM और HCF समान है, तो मेरे दोस्त वो संख्या समान होंगी, तभी उनका LCM और HCF समान आएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछा है यूपी पुलिस। भाई साहब ये तो इसी यूपी पुलिस में पूछ लिया जिस यूपी पुलिस का एग्जाम आपका शानदार गया था, ये तो इसी यूपी पुलिस में पूछ लिया। यूपी पुलिस 18 फरवरी 2024, इसकी तो यादें भी अभी ताजा ही हैं, इसको तो अभी भूल भी ठीक से नहीं पाए। वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है दो संख्याओं का HCF जो है वो 11 दिया हुआ है, मैसे कितना दिया है 11 दिया हुआ है, उनका LCM कितना दिया है 609 दिया है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? आसान और सुशील सा क्वेश्चन आपके सामने। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जब LCM HCF की बात आती है तो एक प्रॉपर्टी से हम लोगों को अच्छे से वाकिफ होना चाहिए। वो प्रॉपर्टी कौन सी है? वो प्रॉपर्टी मेरे दोस्त ये है, अगर किन्हीं भी दो संख्याओं के LCM की गुणा HCF में कर दूंगा तो हमेशा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। ये LCM HCF के अंदर प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं LCM की बात करता हूं तो कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे 609 दिया हुआ है। अगर मैं HCF की बात करता हूं तो कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है। पहली संख्या कितनी है? 77 है। पूछा क्या गया है भाई साहब? दूसरी संख्या के बारे में जानकारी मांगी है, दूसरी संख्या के बारे में जानकारी मांग ली। अगर ये महोदय इधर गुणा में है तो इन्हें इधर भेजो ना, भाग में आएंगे। 11 सत्ते 77 होंगे, 7 से काटोगे 7 अट्ठे 56, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे दूसरी संख्या 87 हो जाएगी। बात क्लियर यहां तक? तो आप कहेंगे जी शानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, फटाफट बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का LCM बड़ी संख्या का दुगना है, बड़ी संख्या का दुगना है मेरे दोस्त। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक बड़ी संख्या का दुगना है, और उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो है वो तीन है, महत्तम समापवर्तक जो है वो तीन है। तो छोटी संख्या आप लोगों को ज्ञात करनी है, छोटी संख्या आप लोगों को ज्ञात करनी है। एक बार निकाल देना, बहुत छुटकू सा सवाल है, बहुत छुटकू सा सवाल है, ऑप्शन से भी दिख रहा होगा,
ऑप्शन से भी दिख रहा होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन से मैं बता देता हूं, मेथड से एक बार खुद देख लेना। देखो ध्यान से भाई, मैसे कितना दिया है, मैसे दिया है 3। तो अगर मैं आपसे कहूं कि छोटी संख्या जो है वो 6 है, उसने क्या कहा है, बड़ी संख्या का दुगना है, बड़ी संख्या का दुगना है, तो कैसे निकालेंगे बच्चे बताओ। पहली संख्या 3a मान लूं भाई, एचसीएफ जो है वो 3 दिया है, उसने कहा है उन दोनों का एचसीएफ जो है वो 3 है, तो दूसरी संख्या मैं 3b मान लूंगा। ठीक है भाई, पहली संख्या 3a मान ली, दूसरी संख्या 3b मान ली है, उसने कहा है उन दोनों दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का एलसीएम जो है, अब मुझे एलसीएम बताइए। अगर मैं 3 और 3 का एलसीएम निकाल देता हूं तो 3 आएगा, ए और बी का एलसीएम निकालता हूं तो ए बी आएगा, क्या इन दोनों संख्याओं का एलसीएम जो है वो इतना आएगा। उसने कहा है वो बड़ी संख्या का दुगना है, मैंने बड़ी संख्या ये मान ली तो इसका दुगना दिया हुआ है, एलसीएम जो है वो बड़ी संख्या का दुगना दिया हुआ है, तो बी से बी कट गया, 3 से 3 कट गया, तो क्या ए की वैल्यू जो है बच्चे वो 2 निकल के आ जाएगी। अगर ए की वैल्यू 2 आ चुकी है तो यहां ए की वैल्यू 2 रख दीजिए, क्या छोटी संख्या 6 निकल के आ जाएगी, क्या छोटी संख्या 6 निकल के आ जाएगी, तो इस क्वेश्चन का जवाब 6 हो जाएगा। दोबारा से फिर से समझिए, दो संख्याएं मुझे आप लोगों को दिखा दी हुई है, उसने कहा है कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का दुगना है, एलसीएम जो है वो बड़ी संख्या का दुगना है, पहली बात तो ये दी हुई है। उसने कहा है उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो है वो 3 है, अगर दोनों संख्याओं का एचसीएफ 3 है तो पहली संख्या 3a होगी, दूसरी संख्या 3b होगी, मैंने मान लिया इनमें से बड़ी संख्या 3b है तो छोटी संख्या ये हो जाएगी, जब मैं इन दोनों का एलसीएम निकालता हूं तो 3 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, a और b का एलसीएम ए बी आएगा, यानी इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ये आ चुका है। उसने कहा बड़ी संख्या का दुगना है तो इसका दुगना कर देंगे तो 6b आ जाएगा, b से b कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या a की वैल्यू 2 आ जाएगी, अगर a की वैल्यू 2 आ चुकी है तो छोटी संख्या 3 दूनी 6 आ जाएगी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, पीडीएफ आज मिल जाएगी भाई, पीडीएफ आज मिल जाएगी, मुझे नहीं पता था पीडीएफ नहीं मिल रही है, पीडीएफ दोस्त आज मिल जाएगी। आ जाइए इस क्वेश्चन की तरफ, ये महोदय भी उसको पेपर में पूछे गए हैं जिसकी याद जो है अभी भूली नहीं, जो याद है, जो हमारे दिल और दिमाग में बैठा हुआ एग्जाम है। बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इसका। बिल्कुल अच्छा, मैं यहां अगर बात करूं तो एचसीएफ कितना दिया है, 3 दिया है, तो संख्या भी बेटा 3 से डिवाइड होती होगी, क्या ये 3 से डिवाइड होती है, नहीं होती, क्या ये 3 से डिवाइड होती है, नहीं होती, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, ये बात समझ में आ गई क्या। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ये आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या कहा है, दो संख्याएं 13 और 9 के अनुपात में दी हुई हैं, ये दो संख्याओं का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, यदि उनका एचसीएफ जो है वो 13 है। बच्चा जब भी रेशो आप लोगों को दिया हो और एचसीएफ आप लोगों को दिया हो तो एचसीएफ की गुणा पहले रेशो में करना तो पहली संख्या निकल के आएगी, एचसीएफ की गुणा दूसरे रेशो में करना तो बेटा दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। तो आपसे कहा है बड़ी संख्या बताइए तो जवाब होगा 169, जवाब क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा। तो अगर हमारा ये पेपर थोड़ा ठीक ठाक हिसाब का होता तो हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल तो छोड़ते ही नहीं। बच्चा इस क्वेश्चन का बताइए क्या होगा बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है, इस क्वेश्चन को अगर आप बताओगे, इस क्वेश्चन को आप लोग बताओगे, एक कह रहा जी बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, बड़ी संख्या नहीं निकल पाएंगे वहां से, बड़ी संख्या नहीं निकल पाएंगे वहां से, अगर बड़ी संख्या निकल जाती तो वो बड़ी ही पूछ रहा होता, बी की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है दो संख्याओं के मैसे और लैसे दिए हुए हैं, यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 4:7 है तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी वो मुझे बताना है। भाई साहब
देख रहे हो, कर रहा है ना ड्रामेबाजी क्वेश्चन भाई। अगर दोनों संख्याओं का एचसीएफ आप लोगों को दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का मैसे आप लोगों को दिया हुआ है 8, और एक तरफ रेशियो आप लोगों को दिया हुआ है, तो अभी तो बता के आया हूं कि मैसे की गुणा पहले में करोगे पहली संख्या निकल के आएगी, और मैसे की गुणा दूसरे में करोगे दूसरी संख्या निकल के आएगी। क्या दोनों का एलसीएम जो है वो 224 हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? 56 है भाई साहब, कुछ झमेले में पढ़ना ही नहीं है, कुछ झमेले में पढ़ना ही नहीं है, बस मैसे और रेशियो अगर कहीं दे दिया तो मैसे की गुणा डायरेक्ट रेशियो में कर देना, संख्या आपके पास आ जाएंगी। दोनों संख्या आपके पास आ चुकी है, उसने बड़ी वाली संख्या पूछी है, तो 56 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, फटाफट बता दीजिए भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या कहा है क्वेश्चन? दो संख्याओं का योगफल जो है वो 60 दिया हुआ है। बेटा आपको दो संख्याओं का योगफल नहीं पता है, आपने क्या किया, दोनों संख्याओं का योगफल लिख दिया, 60 लिख दिया, बहुत बढ़िया। उसने कहा है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो कितना दिया हुआ है, तो आपने कहा 875 दिया हुआ है। आपसे संख्याओं का मैसे पूछा है, आपसे संख्याओं का बेटा मैसे पूछा है कि मैसे कितना हो जाएगा, तो आप मुझे ये बताइए मैसे कितना हो सकता है, मैसे कितना हो सकता है, कैसे निकालेंगे, क्या ऑप्शन, क्या इसमें वैल्यू पुटिंग वाला मेथड यूज करेंगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर इसको 40 रख लूं और इसको 20 रख लूं, तो 40 और 20 60 होता है, लेकिन 40 की गुणा 20 में करेंगे तो 800 आएगा, ये 875, यानी वैल्यूज को हमें बढ़ाना होगा। वैल्यूज को हमें कैसे बढ़ाना होगा, अगर मैं यहां 45 ले देता हूं और यहां 15 ले देता हूं, तो मैंने कहा 15 और 45 60 होते हैं, और जब दोनों की गुणा करूंगा तो 15 पंजे 75 को 5 हासिल, 7 15 चौका 60 और 7 67, ये तो और वैल्यू घट रही है भाई साहब, गड़बड़ कर दी मैंने, फिर तो मैंने गड़बड़ कर दी। अब मैं क्या करूं भाई साहब, मैंने क्या किया, मैंने 35 और 25 रख के देख लिया, ये वैल्यू 35 रख ली और ये वैल्यू मैंने 25 रख ली, तो जब आपने देखा 35 और 25 जो है वो 60 हो चुका है, और 35 की गुणा 25 में करेंगे तो 25 पंजे 125 को 5 हासिल 12, 25 तिया 75 और 12 87 हो जाएगा। भैया सटीक बैठ गया है, यानी एक संख्या मेरी 35 आ चुकी है और दूसरी संख्या मेरी 25 आ चुकी है क्या? उसने कहा है उन संख्याओं का मैसे क्या होगा, यानी वो बड़ी से बड़ी वैल्यू जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, ऐसी बड़ी से बड़ी वैल्यू तो 5 ही होगी, ऐसी बड़ी से बड़ी वैल्यू तो 5 ही होगी। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे जी ये बात हम लोगों के समझ में आ चुकी है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्त अब आप कहेंगे जी दूसरा मेथड बता दो, तो दूसरा मेथड इसका होता है आप लोगों का इसका दूसरा मेथड होता है कि आप बी की वैल्यू यहां से निकालिए, बी की वैल्यू यहां पुट करिए और आप आंसर ले आइए। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, 7 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या हो गया सात नंबर क्वेश्चन में, कोई दिक्कत ही नहीं है। 11 सत्य 77, 7 8 56, 7 7 49, दूसरी संख्या पूछी 87 होगा, 87 होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाह रहा है भाई। क्वेश्चन ने कहा है 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 6 अंकों की, सबसे पहले तो अंक कितने अंकों की संख्या होनी चाहिए, आप कहेंगे 6 अंकों की होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जिसे 16 24 72 84 में प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता हो, शेषफल जो है वो 15 बचता हो।
अगर इनमें से जो भी ऑप्शन होगा, बच्चे ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं, इनमें से जो भी ऑप्शन होगा उसको डिवाइड करने पर क्या बच रहा होगा, 15 बच रहा होगा। अगर मैं इनमें से 15 घटा दूं, मतलब उस 15 को ही खत्म कर दूं, तो क्या वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होगी? तो आपने कहा 99, आपने पूरा लिख दिया, 63 में से 15 जाएगा तो 48 बचेगा। बहुत बढ़िया, जब आपने इसमें से 15 घटाया तो यहां भी 99 पूरा लिख दिया और 51 में से 15 जाएगा तो 36 बचेगा। इसमें से 15 घटाया तो आप कहेंगे 99 000 आ जाएगा, और जब आपने इसमें से 15 घटाया तो आप कहेंगे 99 81 में से 15 जाएगा तो आप कहेंगे 66 बचेगा। पहले 15 शेषफल बच रहा था, अगर ये शेषफल ही ना होता तो क्या संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती? अब ऐसा ऑप्शन देख लो, ऐसा ऑप्शन देख लो जो इन चारों से बच्चा पूरा पूरा कट रहा हो, तो देखते हैं एक बार कैसे देखेंगे भाई। 16 से कटने के लिए संख्या को 4 से कटना होगा, 4 से वही संख्या कटती है जिसके बाद के दो अंक कटते हैं, तो इन सभी के कट रहे हैं, इसका नहीं कट रहा, ये तो जवाब नहीं होगा, ठीक है। 24 से कटने के लिए 8 और 3 से कटना होता है, 8 से काटना है तो बेटा यहां देखिए, 3 अंक काटिए, 8 × 8 एक बचेगा, 8 × 8 6 बचेंगे, ये 8 से नहीं कटेगा, 8 से काटिए, 8 × 8 एक बचेगा, 8 × 8 5 बचेगा, 8 × 7 = 56, ये 8 से कट जाएगा, 8 × 8 एक बचेगा, 8 × 2 = 16 4 बचेगा, 8 × 5 = 40 ये 8 से कट जाएगा। 24 से कटने के लिए 8 और 3 दोनों से कटना होता है, तो 3 से देख लो, 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, भाई साहब ये भी काम खत्म हो गया। अब 72 से देख लो, 72 से 9 और 8 से दोनों से कटना होता है, तो 9 से ये भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 9 से ये भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है। 84 से देखने के लिए 7 से जरूर देखना होता है, 7 से डिवाइड करो, 7 × 7 2 बचेंगे, 7 × 4 = 28 1 बचेगा, 7 × 2 = 14 5 बचेंगे, 7 × 8 = 56 3 बचेंगे, 7 × 4 = 28 5 बचेंगे, ये तो 7 से कट रहा है, लेकिन ये 7 से नहीं कटेगा, 7 × 7 7 × 28 7 × 2 = 14 5 ये 7 से नहीं कटेगा, और 7 से नहीं कटेगा तो ये जवाब नहीं होगा, यानी इस क्वेश्चन का जवाब ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? आपने कहा जी ऐसी संख्या बताओ, ऐसी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ मेरे दोस्त, जो इन चारों से डिवाइड होने पर 15 शेषफल छोड़े। तो पहले उस 15 को ही हटा दो, पहले उस 15 को ही हटा दो मेरे दोस्त। जब मैंने उन 15 को हटाया तो ये संख्याएं आई। अब ऐसी संख्या देख लो जो इन सब से पूरी पूरी डिवाइड होती हो, तो मेरे दोस्त ऐसी संख्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। भाई इसके बाद जो है फिर मेथड होगा, इसके बाद मेथड होगा और मेथड बड़ा होगा। 7 नंबर का SCF, 87 77 का 11 कैसे हो जाएगा? हाँ वो विषय हो सकता है, वो विषय हो सकता है भाई, अब वो विषय हो सकता है। दो संख्याओं का SCF, दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या 87 आई है यहाँ पे, दूसरी संख्या 87 आई है, वो मैच नहीं कर रहा है। हाँ दो संख्याओं का मैच से 11 तो नहीं होगा, तो 11 से कटने वाला 99 आंसर होना चाहिए। फिर उनका LCM 609 है, यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो 609 × 11 = 77 गुणा सेकेंड संख्या निकालनी है, तो 77 से हम लोगों ने 11 × 7 = 7 8 = 56 4 × 7 = 49 87 और 77 का LCM 11 कैसे, SCF 11 कैसे हो जाएगा? भाई बात तो बिल्कुल ठीक है, बात तो बिल्कुल ठीक है, 11 से कटने वाला एक ही ऑप्शन था, उस हिसाब से 99 रहता। अगर 77 और 99 का मैं SCF निकालता तो 11 आता, और अगर LCM निकालूंगा तो 11 कॉमन ले दो, तो
तो 11 77 11 99 9 77 63 होते हैं, और 63 की गुणा 11 में करेंगे 11 33 को 3 हासिल लगे, 3 11 66 और 3 69 हो जाएगा। उस केस में एलसीएम बदल जाता, उस केस में एलसीएम बदल जाता, ठीक है। अगर 99 भी होता तो उस केस में एलसीएम बदल जाता, ठीक है भाई। तो अगर इस कंडीशन से देखेंगे तो हमें ये आंसर जो है इसका 87 लगाना होगा, 87 लगाना होगा, जो उसने दिया है वो मानना होगा, और मानने के हिसाब से हमें इसका आंसर 87 लगाना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या कहना चाह रहा है बच्चे। अच्छा चैप्टर का नाम मैं बता दूंगा, ठीक है, चैप्टर का नाम बता दिया करूंगा कि पहले कौन सा चैप्टर करने वाला है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, सबसे पहले तो छोटी संख्या पूछिए, जिसमें 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जब मैं इनसे विभाजित करूं तो 5 शेषफल बचे, लेकिन 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे, मतलब 13 से विभाजित पूरा पूरा होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन देख लो जो 13 से पूरा पूरा कट रहा हो, 13 6 78 होते हैं, 6 13 5 65 कटेगा, ये 13 से नहीं कटेगा, ये 13 से नहीं कटेगा, ये 13 से नहीं कटेगा, भाई साहब कुछ और बवाल चेक क्यों करूं मैं कुछ और बवाल क्यों चेक करूं जब एक ही ऑप्शन है जो 13 से विभाजित हो रहा है, तो बाकी तो कंडीशन फुलफिल हो ही रही होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको, बताइए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना चाह रहा है कि जब 5054 5906 और 7397 को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शेषफल समान होता है। बेटा इस लाइन को पढ़िएगा और दिमाग के एक कोने में सेट कर दीजिएगा कि जब भी शेषफल समान का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए, जब भी शेषफल समान का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो आपको क्वेश्चन को करना कैसे है। पहली संख्या बेटा 5054 है, दूसरी संख्या 5906 है, और तीसरी संख्या जो है वो 7397 है। तो जब भी वो आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछे जिनसे इनको विभाजित करने पर शेषफल समान रहता हो, तो ऐसे क्वेश्चन का करने का तरीका क्या होता है मेरे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन का करने का तरीका होता है इनका डिफरेंस निकालिए और इनका डिफरेंस निकालिए। जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, और यहां 852 आएगा। जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 7 में से 6 गया 1 आएगा, यहां 9 आएगा, 13 में से 9 गए 4 बचेगा, 6 में से 5 गया 1 बचेगा। ये जो अंतर निकल के आया है, इस अंतर का ही मैं से निकाल दीजिए, वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी जो इनको डिवाइड करने पर इक्वल रिमाइंडर देगी, ठीक है भाई। तो अब इसका कैसे निकालें भाई साहब, इसका मैसे कैसे निकालें, तो इसका मैसे निकालते हैं हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से। बाकी आप लोग डिफरेंस मेथड से भी निकाल सकते हैं बेटा, तो डिफरेंस मेथड मेरे लिए समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब जो है बच्चे हम लोग इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं। 852 एकम 852 होगा, कितना बचेगा, 11 में से 2 गया 9, 8 में से 5 गया 3, और यहां 14 में से 8 गया 6 बचेगा। 639 से 852 को डिवाइड करिए तो आप कहेंगे 639 एकम 639 होगा, 12 में से 9 गए 3 बचेगा, 4 में से 3 गया 1 बचेगा, यहां 213 आएगा। फिर 213 से इसको डिवाइड करिए और ऐसा तब तक करते रहिएगा जब तक कि ये पूरा पूरा डिवाइड ना हो जाए, और जहां ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वही इसका मैसेज कहलाएगा।
वही इसका मैसेज कहलाएगा। तो मेरे दोस्त 213 ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 213 ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड करने पर इक्वल रिमाइंडर देगी, समान शेषफल देगी, वो 213 होगी। कभी कभार वो आपसे समान शेषफल भी पूछ लेता है, तो इस 213 से किसी एक को डिवाइड कर देना, जो शेषफल आएगा ही वो समान शेषफल हो जाएगा। लेकिन ना तो इस क्वेश्चन में आपसे शेषफल पूछा गया है, ना उस संख्या के बारे में आपसे पूछा गया है। इसने आपसे कहा है x के अंकों का योगफल क्या होगा, यानी कि मेरे दोस्त जो वो संख्या आपने निकाली है उसके अंकों का योग क्या होगा। तो आप कहेंगे 2 और 1 3 और 3 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे जी बात समझ में थोड़ी थोड़ी आ चुकी है तो बिल्कुल भी लाइक कर मत देना क्लास को, नहीं तो भाई साहब बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अगर आपने क्लास को लाइक कर दिया तो ये मान के चलो कि अनर्थ ही हो जाएगा आज, क्लास को लाइक कर मत देना। ठीक है, फटाफट बताइए भाई इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहना चाह रहा है बच्चे? क्वेश्चन ने कहा है सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है, यानी ये देख लो कि जो एक पूर्ण वर्ग है यानी कंप्लीट स्क्वायर है, और संख्याएं 4, 10 और 12 में तीनों से विभाज्य है। भाई ऐसे क्वेश्चन देते क्यों हूं, लेकिन भाई साहब 18 फरवरी में पूछा गया है, उस दिन पूछा गया है जिस दिन हमारे कंधे पर वर्दी आने वाला दिन था, उस दिन ये क्वेश्चन दोस्त हम लोगों से पूछा गया है। सबसे पहले ये देखो, जो एक पूर्ण वर्ग हो, ये 50 का वर्ग है, ये 30 का वर्ग है, ये 40 का वर्ग है, ये 20 का वर्ग है, सारे ही पूर्ण वर्ग है। उसने कहा इन तीनों से कटना चाहिए, 4 से कटने के लिए बाद के 2 अंक, बाद के 2 अंक, बाद के 4 से भी सभी कटते हैं, 10 से कटने के लिए बाद की 0, बाद की 0, बाद की 0, 10 से भी कभी सभी कटते हैं, और 12 से कटने के लिए 3 से और 4 से कटना होगा। 3 से बच्चा ये नहीं कटेगा, 5 और 2 7, 3 से मेरे दोस्त ये नहीं कटेगा, और 3 से ये नहीं कटेगा, 3 से एक ही महोदय कटेंगे, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 17 फरवरी वाले लोग मिलिएगा और जवाब दीजिएगा कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 17 फरवरी 2024 आप लोगों से पूछा गया है, जल्दी से बताइए क्या कहना चाह रहा है भाई साहब। क्वेश्चन ने कहा है उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका HCF 15 है और LCM 138 है। अच्छा एक बात बताइए, अगर HCF 15 है तो आपसे मैं संख्या पूछूं तो आप क्या दोनों संख्या ये नहीं बताओगे? अगर HCF 15 है तो क्या वो दोनों संख्या 15A और 15B रहने वाली है? अगर मैं आपसे LCM पूछूं तो 15 और 15 का LCM 15 आएगा और A और B का LCM AB आएगा। यानी अगर इन दोनों संख्याओं के LCM का जिक्र किया जाता है तो वो 15AB होंगी। बेटा उसने LCM दिया कितना है, 138 दिया है, तो भैया जी ये तो 15 से कटेगा ही नहीं, और जब कटेगा नहीं तो काहे की जोड़ी भाई, अगर ये संख्या ही 15 से नहीं कट रही है तो एक भी जोड़ी संभव नहीं है, ऐसी कोई जोड़ी ही इस पृथ्वी पर मौजूद नहीं है जो बच्चा बन जाए। जब ये कट ही नहीं रहा तो भाई साहब काहे की जोड़ी बन जाएगी, ये कटनी चाहिए हमेशा इस संख्या से, तो एक भी जोड़ी संभव नहीं होगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों से पूछना चाह रहा है
क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त? क्वेश्चन ने कहा है यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है, तो मेरे दोस्त क्या पहली संख्या आपने चुटकी में 12 ए मान ली और दूसरी संख्या चुटकी में आपने 12 बी मान ली? अब क्वेश्चन ने कहा है कि उनका एलसीएम जो है वो 924 है। बेटा 12 का और 12 का एलसीएम 12 आएगा, ए और बी का एलसीएम ए बी आएगा, और उसने दोनों का एलसीएम जो दिया है 924 दिया है। ये कट रहा होगा तो जोड़ा बनेगा, नहीं कटेगा तो जोड़ा नहीं बनेगा। 12 सत्ते 84 होते हैं, 8 बचेगा, 12 सत्ते 84 होते हैं, कट गया भाई। अब ऐसी दो संख्या बता दीजिए जिनकी गुणा करके 77 आ जाए। आप कहेंगे जी पहली संख्या 1 और 77 की गुणा करके 77 आएगा, दूसरी संख्या 7 और 11 की गुणा करके 77 आएगा, तीसरी संख्या 11 और 7 दिमाग में आएगी लेकिन वो पहले ही ले दिया उसको मत लेना। ऐसी केवल दो जोड़ी पॉसिबल रहेंगी, ऐसी केवल दो जोड़ी पॉसिबल रहेंगी जिनका एचसीएफ 12 होगा और एलसीएम 924 होगा। तो भैया जोड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे जोड़ियों की संख्या मेरे दोस्त 2 हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, इससे बेहतरीन क्वेश्चन ना आज तक बना है ना आगे कभी बनेगा। इससे बेहतरीन क्वेश्चन ना आज तक कभी बना है ना आगे कभी बनेगा। फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए मेरे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए बच्चे ध्यान से सुनिएगा बहुत प्यार से, इसके बाद एक और क्वेश्चन है इसके जैसा, उसे आप लोगों को करना होगा। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। पहली लाइन उसने ये बोली है एलसीएम जो है एचसीएफ का 12 गुना है, यानी एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 12 गुना दे रखा है। पहली लाइन होगी खत्म। HCF और LCM का योग 403 है। दूसरी लाइन में उसने कहा है HCF और LCM का योग जो है वो 403 आप लोगों को दिया हुआ है, यही बोला हुआ है। समझना भाई, LCM की जगह क्या 12 HCF लिख दूं? LCM की जगह 12 HCF लिख दिया, एक HCF ये है तो क्या दोनों मिलके 13 HCF बन जाएंगे? और 13 HCF की वैल्यू कितनी दी है? 403 दी है। 13 से काटेंगे, 13 तिया 39, 13 एकम 13, क्या मैं से जो है वो 31 आ चुका है? आप कहेंगे बिल्कुल आ चुका है, आपसे दूसरी संख्या पूछी है तो 31 से कटने वाला ही आंसर होगा। ना 31 से ये कटता, ना 31 से ये कटता, ना 31 से ये कटता, तो 31 से ये ही कटेगा। लेकिन बच्चे अब मेथड से कैसे करेंगे? अगर 31 में से आ चुका है तो यहां 31 को रख दीजिए, क्या लेस है जो है वो 12 गुणा 31 आ जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। अब आप एक चीज जानते हैं कि पहली संख्या की गुणा अगर हम दूसरी संख्या में कर देते हैं तो वो हमेशा एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर आएगा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। अब आप मुझे ये बताइए पहली संख्या कितनी है भाई साहब? 124 है। दूसरी संख्या कितनी है? निकालनी है। एलसीएम कितना है? 12 गुणा 31 दिया हुआ है। एचसीएफ कितना है? 31 दिया हुआ है। अब यहां 124 गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा। 31 चौक 124, 4 तिया 12, 31 तिया 93 हो जाएगा। क्या दूसरी संख्या जो है वो आप लोगों की 93 हो जाएगी? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो आप कहेंगे जी ये बात तो क्लियर है, आसान थी ये बात तो बहुत शानदार। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 93 हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपके सामने है जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है
कि दो संख्याओं का एलसीएम जो है उनके एचसीएफ का 28 गुणा है। बहुत बढ़िया। उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग जो है वो 493 है। बहुत बढ़िया। संख्याओं का अंतर जो है वो 51 है। बहुत सुंदर। दोनों संख्याओं का योगफल एस है तो एस के अंकों का योगफल बताइए, यानी जो योगफल निकल के आएगा उसके अंकों का योग आपको बताना है। तो दे दिया आप लोगों को होमवर्क में, कोशिश कर लेना भाई। कल का जो होमवर्क दिया था वो अभी बताने वाला हूं, अगली 2-3 मिनट में बता दूंगा, कोशिश कर लेना। ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जैसा 18वां कराया था, बस एक लाइन लास्ट में एक्स्ट्रा जोड़ी हुई है। थोड़ा सा अपने तरफ से कोशिश करके देखना, ना हो परेशान मत होना, कल की क्लास के शुरुआत में ही से करा दूंगा, लेकिन एक बार अपनी तरफ से कोशिश जरूर करना। अगर कोशिश की और रिजल्ट आ गया तो ये फील अंदर से आएगी कि मेरा एचसीएफ एलसीएम बिल्कुल क्लियर है, और अगर कोशिश की और रिजल्ट नहीं आया तो कल की क्लास को करने की कोशिश करोगे कि भाई मैं इस क्वेश्चन को समझूंगा जरूर, गलती कहां की है मैंने। तो दोनों ही तरीके से कोशिश वालों का तो फायदा रहने वाला है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक दुकानदार के पास दूध की 3 भिन्न किस्में हैं, 3 अलग अलग की किस्में हैं। पहली किस्म की 429 लीटर है भाई साहब, पहली किस्म का दूध 429 लीटर है। दूसरी किस्म का दूध जो है वो 462 लीटर है, और तीसरी किस्म का दूध जो है वो 528 लीटर है। ये 3 तरीके का दूध मौजूद है। समान आकार की बोतलों की वह न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात करें, यानी कि बेटा समान आकार की बोतल का साइज जो है वो समान होना चाहिए। कम से कम बोतल कितनी होंगी जिसमें भिन्न किस्मों के दूध को बिना मिश्रण के भरा जा सकता है, वो कम से कम बोतलों की संख्या पूछना चाह रहा है। अगर मुझे कम से कम बोतलों की संख्या निकालनी है तो मुझे एक बोतल में ज्यादा से ज्यादा दूध भरना होगा। भाई कम से कम मेरी बोतलें कब भरी जाएंगी, थोड़ा सा सोच के बताओ। अगर मैं चाहता हूं भाई कम से कम बर्तन भरे, तो आप कहोगे जी एक बर्तन में ज्यादा से ज्यादा चीज भरो तभी तो कम से कम बर्तन भरे जाएंगे। इसका मतलब मुझे एक बर्तन में ज्यादा से ज्यादा जो है वो दूध भरना होगा, और ज्यादा से ज्यादा दूध के लिए मुझे इनका मैसे निकालना होगा। बेटा डिफरेंस कितने का, 12 में से 9 गए 3 बचेगा, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, यहां डिफरेंस 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, 2 में से 2 गया तो 0, 5 में से 4 गया तो 106 बचेगा। ठीक है, 12 में 8 में से 2 गया तो 6 बचा, और 11 ओहो गलत हो गया, 8 में से 2 गया तो 6 बचा। ठीक तो है, 12 में से 6 गया 8 में से 2 गया 6 12 में से 6 गया तो 6 बचा, और यह 4 हो जाएगा, 66 बच जाएगा। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका मैसे क्या होगा तो बेटा या तो छोटी संख्या ही मैसे होगी या इसका कोई फैक्टर मैसे होगा। तो क्या 33 से ये कटता है? 33 एकम 33 9 बचेगा, 33 या 99 कटता है जी, 33 से ये कटता है, 33 एकम 33 होगा, कितना बचेगा 132 होता हो जाएगा, 33 चौका 132 होते हैं। 33 से ये कटेगा, 33 एकम 33 होगा, कितना बचेगा 17 2 19 198 हो जाएगा, 6 बार कट जाएगा, बिल्कुल कटता है। यानी वह बड़ी से बड़ी बोतल होगी जिसमें 33 लीटर दूध आता होगा। बेटा इनका मैसे ही वो संख्या आ जाएगी जिसमें मैक्सिमम दूध आता होगा, यानी कि 33 लीटर ही वो संख्या आ जाएगी जिसमें मैक्सिमम लीटर दूध आता होगा। उसने वो नहीं पूछा, उसने बोतल की क्षमता नहीं पूछी, उसने पूछा है कि कितनी बोतलों की जरूरत होगी। तो अगर एक बोतल में 33 लीटर आता है तो 429 लीटर भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी।
तो आप कहेंगे 13 बोतलें यहां भरी जाएंगी। अगर एक बोतल में 33 लीटर आता है तो 462 लीटर कितनी बोतलों में आएगा, तो आप कहेंगे 14 बोतलें यहां भरी जाएंगी। अगर आप, मैंने कहा एक बोतल में 33 लीटर आता है तो 528 लीटर कितनी बोतलों में आएगा, तो आप कहेंगे 16 बोतलों में आएगा। तो टोटल बोतलें कितनी जरूरत पड़ेगी, 13 और 14 27 और 6 33 और 10 43 बोतलों की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मिनिमम पूछा है, मिनिमम पूछा क्या है भाई, वो तो देखो न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात करें, किसकी, बोतलों की। अगर बोतलों की कम से कम संख्या पूछ रहा है तो एक बोतल में ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लाना होगा और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड के लिए इसका मैसे निकालना होगा। जब मैसे निकालोगे तो एक बोतल में ज्यादा से ज्यादा लिक्विड 33 लीटर आ सकता है। अगर एक बोतल में 33 आ सकता है तो 429 कितनी बोतलों में आएगा, आप कहोगे 13 में। 462 कितनी बोतलों में आएगा, आप कहोगे 14 में। 528 कितनी बोतलों में आएगा, 16। यानी कम से कम 43 बोतलें तो चाहिए ही होंगी। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। तो 20 क्वेश्चन मैंने इसके आज करा दिए हैं, कल की क्लास ओल लूंगा, 15-20 क्वेश्चन कल कराऊंगा, आपका एलसीएम एससीएफ पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, कल का क्वेश्चन एक बार मुझे बता दो, कल का क्वेश्चन क्या था मेरे दोस्त, एक बार मुझे बताएंगे, मैं एक बार देख लेता हूं कल का क्वेश्चन। कल तारीख थी 12 तारीख, इसमें तो सेट ही नहीं है भाई साहब, इसमें तो सेट ही नहीं है, ये यूपी पुलिस वाला 12-13 का है। एक बार कल का क्वेश्चन बताना मेरे भाई, कल का क्वेश्चन बताना मेरे भाई क्या होगा। तो अगर मैं पूछूं कल का क्वेश्चन, मैं निकाल लेता हूं, रुकिए। ये रहा कल का, कौन से नंबर का क्वेश्चन था, कौन से नंबर का क्वेश्चन था, अनुक्रम, हाँ एक तो ये दिया हुआ था मेरे दोस्त, 26 इंग्लिश वाला इसका सही था। अच्छा, एक तो इंग्लिश और हिंदी में गड़बड़ी थी, इंग्लिश और हिंदी में इसकी गड़बड़ी थी, तो इसका इंग्लिश वाला बिल्कुल ठीक था। 26, 20, 14 और 8, और ऐसे ही करते करते जा रहे, कितने का गैप है, 6 का गैप है, कितने का गैप है, 6 का गैप है, कितने का गैप है, 6 का गैप है। तो इसकी 21वां पद क्या होगा, इसका 21वां पद आपसे पूछा है। तो बेटा कोई दिक्कत ही नहीं है, T21 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला मैंने कल ही आप लोगों को बताया था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आएगा। ठीक है, ए क्या होता है, प्रथम पद होता है 26, कौन सा पूछा, 21, एन की वैल्यू 21, 21 में से एक गया 20 होगा। डी कितना होता है, दूसरे में से पहला घटाइए माइनस 6 हो जाएगा। तो यहां आंसर कितना आएगा, 26 माइनस 20 छिक्का 120 होंगे। तो आप कहेंगे 10 में से 6 गया 4, माइनस का 94 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो माइनस का 94 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में मेरे दोस्त इंग्लिश वाला बिल्कुल ठीक है, इंग्लिश वाला मेरे दोस्त बिल्कुल ठीक है, हिंदी वाला जो है वो बच्चे उसमें गलत है, इंग्लिश वाला बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आज के लिए आपका होमवर्क का दिया था। कौन सा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क का दिया था, कोशिश कर लेना। अगर करोगे कोशिश तो ठीक रहेगा, नहीं करते हो तो कोई बात ही नहीं है भैया, फिर तो हम ही कराएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था। आज के लिए इतना ही, ओके टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, मन लगा के पढ़ाई करिए, लगातार पढ़ेंगे तो बाद में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लगातार नहीं पढ़ेंगे तो बाद में बहुत ज्यादा सोचना होगा और होगा कुछ नहीं। तो बस एक ही ऑप्शन बचता है, लगातार पढ़ने का ऑप्शन आपके पास बचता है, डिसाइड आपको करना है कि एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो। अब रिजेक्ट करोगे तो बाद में पछताओगे, अब एक्सेप्ट करोगे तो थोड़ा सा बोरिंग जरूर फील होगा लेकिन बाद में रिजल्ट शानदार होगा। ओके टाटा बाय बाय।